दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं आमेर फोर्ट की ओर। अभी हम लोग आमेर फोर्ट के रास्ते में हैं। मेरे पीछे कुछ दूर पर जल महल है एंड अभी हम लोग आप लोगों को लेकर चल जाएंगे आमेर फोर्ट। अभी हम लोगों ने एक स्कूटर रेंट कर लिया है। अभी तो फिलहाल ये पूरा पहाड़ी एरिया है। हम लोगों को इस घाटी के रास्ते से अभी पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए हम लोगों को अभी आमेर फोर्ट जाना है एंड इधर से जो रास्ता जाता है वो कनक घाटी की ओर जाता है। ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं यही है जयपुर का वर्ल्ड फेमस जल महल, जहाँ की हम लोग शाम में जाएंगे क्योंकि शाम में लाइटिंग वहाँ की बहुत अच्छी होती है मैंने सुना है। दैट्स वाई अभी हम लोग जा रहे हैं आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट दोनों पास में ही है, इसलिए हम लोग पहले वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे। हम लोगों ने अभी तक जितना कुछ जयपुर में घूमा सभी कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर होकर घूमा था, तो उसमें मज़ा तो बहुत आ रहा था लेकिन हमें बहुत दूर दूर पैदल चलना पड़ता था, इसीलिए हम लोगों ने आज बाइक रेंट की है। हम लोग गए थे बाइक रेंट करने के लिए लेकिन बाइक का फेयर बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम लोगों ने ये एक्सेस को बुक किया है एंड अभी हम लोग एक्सेस से ही पहाड़ की चढ़ाई करेंगे और आमेर फोर्ट तक जाएंगे और वहाँ पे जयगढ़ फोर्ट दोनों घूमेंगे एंड दोनों को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक आप लोग रास्ते का मज़ा लीजिए एंड वीडियो को इन्जॉय करिए। जा रहे हैं अंबर पैलेस और आमेर फोर्ट की ओर। यह है आमेर शहर, छोटा सा शहर है लेकिन यही है ओरिजिनल जयपुर। जयपुर की शुरुआत यहीं से हुई थी, यही आमेर सिटी से। पहले आमेर में ही पूरी जनता रहती थी एंड ये जो जितने आप लोग फोर्ट की दीवारें देख रहे हैं ये सारी चीज़ें लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहरी इन्वेडर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी एंड यही सिटी था हमेशा से ही, लोग यहाँ पर रहते आ रहे हैं एंड वो दूर आप देख रहे हैं वो है अंबर पैलेस। अभी हम लोगों ने 10 रुपए की पर्ची कटवा ली है जो कि पार्किंग टिकट है एंड अभी हम लोग ऊपर जाएंगे अपनी स्कूटी को वहाँ पे पार्क करेंगे। मालूम नहीं किधर जाना है लेकिन यहाँ से जो नज़ारा फेनोमिनल दिख रहा है क्या ही बताऊँ। वैसे तो मेरा इतिहास में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है कभी भी, लेकिन ऐसे ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश कर देती है देखने के लिए। चलिए आते ही अभी हम लोग आमेर फोर्ट के ऊपर आ चुके हैं एंड यहाँ से जो नज़ारा है मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पूरा आमेर सिटी है जो कि हमेशा से यहीं पे है एंड ये जो चारों तरफ आप दीवारें देख रहे हैं ये दीवारें इसी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी एंड यही है आमेर फोर्ट पूरा का पूरा, चारों तरफ इसकी दीवारें हैं। ये दीवारें जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट तक जाती है। हम लोग उसी ही रास्ते से आए थे जहाँ से एक जीप आ रही है और अभी हम लोग यहाँ आ चुके हैं और अभी हम लोग जाएंगे अंबर पैलेस के अंदर। तो अभी हम लोग अंबर पैलेस के बगल से चल रहे हैं एंड अभी जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं यह रास्ता जाएगा जयगढ़ फोर्ट की ओर, जहां जाने के लिए हम लोग इतनी दूर से आए हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं है, है तो ये जयपुर ही
लेकिन फिर भी थोड़ी दूर हम लोगों को स्कूटी राइड करना पड़ा। उसके बाद अप्रॉक्स 12-13 किलोमीटर्स के बाद अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी वापस से हम लोग ट्रैकिंग पर उतर चुके हैं। ये जो रास्ता आप लोग सीधे देख रहे हैं, इसी पर से चढ़ते हुए हम लोगों को वहाँ जाना है, वहीं कहीं जैगर फोर्ट है। एंड जैगर फोर्ट हम लोग इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि जैगर फोर्ट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है जयपुर और राजस्थान और पूरे भारत के इतिहास में। फ़िलहाल तो सोनू भैया की हालत टाइट हो चुकी है, उनसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा। जैसे तैसे करके उनको लेकर जा रहा हूँ ऊपर। एंड ये पूरा जंगल वाला इलाका है, रात में इधर आने में अलग टाइप का एडवेंचर होगा, वो भी किसी दिन ट्राई करेंगे। फ़िलहाल तो इस ट्रिप पर नहीं हो पाएगा क्योंकि कल हम लोग जयपुर से बाहर निकल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जैगर फोर्ट के ऊपर आ चुके हैं। मेरे सामने एंट्रेंस है। भैया की हालत टाइट हो चुकी है। हम लोगों ने कर दिया। एंड यहाँ से जो नज़ारा है वो आप लोग भी देखो। यहाँ से दूर दूर तक अरावली रेंजेस आपको नज़र आएंगे। ये अरावली की पहाड़ियाँ और ये सूखी सूखी हवाएं, इसे ही कहते हैं राजस्थान। राजस्थान दो भागों में बंटा हुआ है। एक भाग है थार डेजर्ट, पूरा रेगिस्तान मरुस्थल, और वहीं दूसरा पार्ट है ये सूखी सूखी पहाड़ियाँ अरावली रेंजेस। ज़्यादातर फोर्ट्स इन्हीं सब पर है। थार में सिर्फ एक फोर्ट है जैसलमेर, और कोई बड़ा फोर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ अरावली में जहाँ देखोगे आपको वहीं फोर्ट मिलेगा। अकेले जयपुर में ही 3-4 फोर्ट है, तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। फिलहाल तो हम लोग यहाँ से अभी एंट्री लेने वाले हैं। एंड ये पूरा रास्ता हम लोगों ने कवर किया अपने पैरों से, और हम लोग ऊपर आ चुके हैं फोर्ट के अंदर। अभी हम लोग जयगर फोर्ट के अंदर ही है। एंड मैं यहाँ कुछ एरियाज़ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जयगर फोर्ट उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा जगह है जो कि मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं, जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। तो ये एक ऑफ बीट लोकेशन है, यानी कि यहाँ पे पूरा तो ऐसा नहीं कि पूरा सुनसान रहता है, कुछ कुछ लोग आते हैं, लेकिन जो इतनी ऊपर चढ़ सकते हैं वही लोग यहाँ पर आते हैं। फाउंड्री तोप कारखाना, आई थिंक यहीं पर सारे तोपों को बनाया जाता था, यहीं पर तोप का निर्माण होता था। ये तोप की फैक्ट्री कह सकते हैं, कैनन फैक्ट्री। अभी हम लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं। आई होप मुझे रिकॉर्ड करते हुए कोई पकड़े ना, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए 200 रुपये का टिकट कटवाना पड़ता है, जो कि हम लोगों ने नहीं कटवाया, वरना हमारा बजट हमारे सर के ऊपर से निकल जाता। दैट्स वाई मैं चुपके चुपके यहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को इस दीवार के उस तरफ का व्यू दिखाना चाहूँगा, जो कि कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग है। दोस्तों अभी जो हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये है जवान तोप। जवान तोप जब बनाई गई थी तो ये साल 1702 में बनाई गई थी, और ये तोप उस समय दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी। इस तोप के बारे में मैं कुछ जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस तोप को जब चलाया गया था तो इसकी रेंज 22 माइल्स पाई गई थी, यानी कि 22 माइल आप उसको किलोमीटर में कवर करोगे तो अप्रॉक्स 36-37 किलोमीटर्स होता है। इसका रेंज इतना ज़्यादा था, यानी कि एक बार यहाँ से चलाओ तो लगभग 36 किलोमीटर तक ये अपने गोले को दाग सकता था। एंड इसमें एक बार में 100 किलोग्राम बारूद की आवश्यकता पड़ती थी ताकि इस तोप को फायर किया जाए। इसे बस आज तक एक बार फायर किया। ये उस समय का न्यूक्लियर बम था, जिस तरह न्यूक्लियर बम को सिर्फ एक बार फायर किया गया था हिरोशिमा नागासाकी, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसी तरह ये जवान तोप उस समय का न्यूक्लियर बम था। आप समझ जाओ जब इस तोप को निकाला जाता होगा तो सामने वाली सेना की क्या हालत होती होगी, और वो दबे पांव किस तरह भागते होंगे पीछे। तो ये सब भी आप लोगों को जयगढ़ फोर्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड मेन इसी के लिए लोग आते हैं, जवान तोप देखने के लिए। इसे यहाँ इसके टॉलेस्ट पॉइंट पर यहाँ पर रखा गया है। एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि अगर यहाँ से फायर किया जाए तो ये तोप कहाँ तक मारने की क्षमता रखता है।